प्रिय दोस्तों, आज हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके शारीरिक दुष्प्रभाव या प्रभाव के बारे में बातें करेंगे। मैंने जो भी डाटा इकट्ठा किए हैं वो FDA, WHO, एम्स और IIT की रिसर्च और GSM एसोसिएशन के फैक्ट्स और रिसर्चेस पे आधारित हैं। पिछले 2 दशकों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल में काफ़ी इजाफा हुआ है। अकेले भारत में इसकी उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में इस समय GSM एसोसिएशन के अनुसार 500 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। अकेले भारत में 81 करोड़ उपभोक्ताओं की संख्या हो जाने वाली है 2021 तक। आज स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों में लगभग 77% लोग इसको कॉल के लिए यूज करते हैं, जबकि 52% लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस या इन चीज़ों को यूज करने के लिए करते हैं। पुरुषों की तुलना में औरतों में मोबाइल फ़ोन का यूज लंबे समय तक होता है, और यहाँ तक देखा गया है कि जो लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं उसमें लगभग 45% लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइव करते हुए भी टेक्स्ट या मैसेज करते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो लो पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रिक्वेंसी पर आधारित है, जो बार बार हर 5-10 सेकेंड में टावर की तरफ एक सिग्नल देता है और इसी से हमको नेटवर्क मिलती है। जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी में हम लोग बात करते हैं वो काफ़ी सेफ माना जाता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। जो स्पेक्ट्रम है वो 450 मेगाहर्ट्ज से 2700 मेगाहर्ट्ज की है। ये मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो होते हैं नॉन आयोनाइजिंग होती है, इसलिए ये शरीर के लिए काफ़ी हद तक सेफ मानी जाती है। बताते चलें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जितनी ही ज़्यादा होती है उसका टिश्यू पेनिट्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है और थर्मल इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। जो CDMA है वो 869 से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। 3G इसके बदौलत 2100 से 2170 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। इस हिसाब से जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मेगाहर्ट्ज यानी कि फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, और इसके शरीर पे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं वो भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। टावर से 50 से 300 मीटर की दूरी पर रहने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इफेक्ट कम से कम होता है। टावर पर लगे जो ट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे शरीर से काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे बॉडी में रिजोनेंस पैदा करते हैं, और टोटल इंटरनल रिजोनेंस ज़्यादा होने के चलते जो है बॉडी में हीटिंग होती है। हमारा शरीर चूंकि 70% पानी से बना होता है तो इंटरनल हीटिंग होने के चलते इस पानी में एक तरह की जो है रिजोनेंस के चलते जो है थर्मल इफेक्ट आते हैं और ड्राइनेस महसूस की जाती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो नॉन आयोनाइजिंग तो हैं मोबाइल में, लेकिन इनका 2 तरह का इफेक्ट होता है, एक थर्मल इफेक्ट है, एक नॉन थर्मल इफेक्ट है। जो हमारे रिसर्चेज हैं या जो भी हम इसके दुष्प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं या रिसर्च करते हैं वो थर्मल इफेक्ट के बारे में ही होता है, जबकि नॉन थर्मल इफेक्ट के बारे में अभी तक हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग केवल पिछले 2 दशकों से ही मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। नॉन थर्मल इफेक्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं और अभी तक इन पर कोई सटीक स्टडी नहीं आ पाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं फटीग, हेडेक, मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस, ब्रेन ट्यूमर्स, आई प्रॉब्लम्स, इम्पोटेंसी और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक बात बताएंगे आप ऊंचे पेड़ों पर तो चिड़ियों को बैठे हुए हमेशा देखे होंगे, क्या कभी मोबाइल टावर पर किसी चिड़िया को बैठे हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा, पक्का नहीं देखा होगा। कारण ये है कि चिड़िया का वजन जो है काफ़ी छोटा होता है और उन पर थर्मल इफेक्ट काफ़ी होता है। हमारी गौरैया तो बिल्कुल गायब ही हो गई इस मोबाइल टावर के चक्कर में। अब चिड़ियों पर ही नहीं, जानवरों पर भी इसका खासा इफेक्ट होता है। भेड़, कुत्ते, बिल्ली, गाय के स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो बढ़ी हैं, उनका दूध भी काफ़ी कम हुआ है। स्पर्म काउंट जो होता है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज करने वालों में देखा गया है कि लगभग 30% से कम हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का काफ़ी देखा जा रहा है कि काफ़ी उसका प्रभाव है। यह प्लेसेंटर बैरियर को भी क्रॉस करता है और एम्ब्रियो पर दुष्प्रभाव कर सकता है। छोटे बच्चों की खोपड़ी काफ़ी लचीली और पतली होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं इसको आग आसानी से पेनेट्रेट कर पाते हैं
और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों की तुलना में जो होता है इनका पेनेट्रेशन जो खोपड़ी के अंदर में ब्रेन है वो 3 गुना ज़्यादा होता है। मीडिया में आपको एक समाचार जरूर मिला होगा, वर्ली मुंबई में उषा किरण बिल्डिंग में 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 10वीं फ्लोर पर रहने वाले लोगों में 6 लोगों में कैंसर पाया गया। बाद में यह पता चला कि इसका मेन कारण ये था कि सामने वाली बिल्डिंग में 4 मोबाइल के टावर लगे हुए थे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही इफेक्ट था। WHO मोबाइल फोन को भी कैंसरोजेन के रूप में देखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा जो LED ब्लू लाइट होती है उसको भी कैंसर से जोड़ के देखा जा रहा है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो बार्सिलोना और लंदन से आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको प्रकाशित भी किया था। जो EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप मोबाइल बिना चेक किए नहीं सो पाते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है, आप कहीं मीटिंग में भी हर 5-10 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको स्मार्टफोन की एडिक्शन सी हो गई है। नोमोफोबिया अपने आप में एक तरह का भय है। जब ऐसे लोगों को जिनको मोबाइल फ़ोन की लत सी लग गई है, वो जब उनका बैटरी कम होता है, जब नेटवर्क नहीं होता है, तो उनको एक घबराहट और चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए विदेशों में और बहुत सारे सेंटर्स पे जो है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वैसे डिटॉक्स सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे लोगों को नो नेटवर्क एरिया में रखा जाता है, खेल कूद, म्यूजिक, गेम्स, इन चीज़ों में इंगेज किया जाता है। तो ऐसे एक कोटेशन भी सामने आया है, डिसकनेक्ट टू कनेक्ट, टू कनेक्ट टू द रियल वर्ल्ड। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन की जगह जो है डिटॉक्स सेंटर्स जो हैं आजकल काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। मोबाइल फोन के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ली गई है वो काफ़ी अच्छी है। इससे आयोनाइजिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पे बिल्कुल ही नहीं होता है। UK और US में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट नाम की एक लिमिट तय की गई है, जो स्कल के लिए 1.6 वॉट पर kg होती है, बॉडी के लिए यह अलग है। हमारे इंडिया में जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो US और UK की तुलना में 10 से 100 गुना ज़्यादा है, और हमारे यहाँ इन चीज़ों पे कंट्रोल न के बराबर है, और जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही हैं। ब्लैकबेरी और आईफोन के मैनुअल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बात करते समय शरीर से 25 mm की दूरी बनाकर रखें। इससे जो होता है शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के SAR वैल्यू को, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपने मोबाइल पे *#07# डायल करें। अगर यह 1.6 से कम है तो आप सेफली रोजाना 15 से 20 मिनट मोबाइल यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन आपको यूज करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप टेक्स्ट करें या वायर वाले हेडफोन का यूज करें। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है, और शायद ही अब ये संभव हो कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के रह पाएं। लेकिन क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जा सकते हैं? ऐसा क्या किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारे शरीर पर बायोलॉजिकल इफेक्ट कम से कम हो? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सोते समय कभी भी तकिए के पास आप अपना मोबाइल फ़ोन ना रखें, कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें। दूसरा, पॉकेट में रख के मोबाइल को ना घूमें, अगर संभव हो तो एक बैग रखें जिसमें अपना मोबाइल फ़ोन रखें। गाड़ी, ट्रेन, लिफ्ट में जिसमें जिसकी मेटालिक बॉडी होती है उसमें मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज करें। जो हम हेडफोन यूज करते हैं वो वायर्ड हेडफोन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लूटूथ हेडफोन नहीं। हम मोबाइल टावर से कम 300 मीटर की दूरी पर रहें, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कम से कम होगा। बात करते समय शरीर से कम जो हमारी बॉडी है उससे कम से कम 25 mm की दूरी बना के रखें। जब यह टेक्स्ट या मैसेज करते हैं तो शरीर से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी बना कर रखें। टेक्स्ट करना ज़्यादा अच्छा है, बात करना और कम है। हमारे यहाँ जो
स्पेसिफिक ऑब्जॉर्प्शन रेट है जो मोबाइल फोन्स के, उसके हिसाब से दिन में करीब 25 से 20 मिनट कॉल ही ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा होने पर शरीर पर बायोलॉजिकल इफेक्ट आना ही आना है। बच्चों को जब भी मोबाइल दें, जब भी गेम खेलने के लिए दें, तो उनके नेटवर्क को जो है फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि बच्चों का जो स्कल होता है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है, वो काफ़ी पतली होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं काफ़ी डीपली पेनेट्रेट करते हैं। एडल्ट की तुलना में ये पेनेट्रेशन जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज मोबाइल के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में जो है वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह के आपके मन में सवाल पैदा होते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो शेयर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।